इस वक्त हम मौजूद हैं कब्रिस्तान मेदीन में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आल अकबार सर सर जिस तरीके से चुनाव के दो दिन बचे हैं और ये मीटिंग की गई इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए मीटिंग रखी है आज महेदान के हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग और तालब इलम लोगों ने तमाम वोटरों ने एक मीटिंग रखी जिसमें साफ़ तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि एक तरफ अपने वोटों को तकसीम नहीं होने देंगे जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो बीजेपी को रोकने के लिए तमाम दूसरे लोग भी आज कांग्रेस पार्टी के लोग भी एक तरफा हमारे साथ चलने को तैयार हैं और सबों ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली के अंदर सत्तर की सत्तर सीटों पे आम आदमी पार्टी को और मटिया मटियामहल विधानसभा में खसूस तमाम लोग आम आदमी पार्टी को केजरीवाल साहब शेख इकबाल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं सर आज जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट बीजेपी वालों ने किया मैं बीजे, और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को लगा आग लगाए इसके बारे में आप आपका देखिए वो मैनिफेस्टो के कागज के टुकड़े को आग लगा रहे हैं मगर वो ये नहीं समझ रहे कि दिल्ली की गरीब की आवाम के खिलवाड़ों के साथ वो आग लगा रहे हैं अब आने वाले वक्त के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी पर आग लगा देंगे तो मैं समझता हूँ इस जैसी छोटी हरकत करने से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और छोटा कर रही है तो इसलिए इनको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए दिल्ली की जनता के जो विकास हो रहे हैं वो आज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये लोग फिरका परस्त लोग हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान तक राजनीति रखना चाहते हैं मगर केजरीवाल साहब की राजनीति इनसे कई गुना ज़्यादा बहुत ऊपर और बहुत अच्छी है तो इसलिए वो कुछ दिल्ली की जनता के साथ सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है वो करे भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के अंदर उनका आने वाले वक्त में कोई खाता भी नहीं खुल रहा इसलिए वो परेशान है और उस अपनी बौखलाहट के अंदर इस तरीके की हरकतें कर रही है जिस तरीके से जामिया और शाहन बाग में गोली चली जो शाहिन बाग में जिस बंदे ने गोली चलाई उसको बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का इसके बारे में वो साफ तौर पे बीजेपी और आरएसएस के आदमी हैं और देखिए शाहीन बाग का मुद्दा बीजेपी के लिए है ना कि आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी जितने भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं सी सी के उनके समर्थन में है उनके साथ उन तमाम लोगों के साथ दिल्ली का इलेक्शन पोलराइज करना चाहती है दिल्ली का इलेक्शन हिंदू मुसलमान पर चाहती है इसलिए इस तरीके की हरकतें जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल हैं वो आके इस टाइप की हरकतें बंदूक लेके आ रहे हैं हम तो यही कह सकते हैं कि ठाकुरों ने हिचड़ो की फौज पाल रखी है बस और कुछ नहीं कह सकता तो ये बदनाम करने का तो इल्जाम लगाया गया इसके बारे में देखिए बीजेपी अमित शाह नरेंद्र मोदी जिस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं इनके पास कुछ नहीं है ना मैं क्या कह रहा हूँ इनके पास दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है ये हिंदू मुसलमान पर मुद्दा लड़ना चाहते हैं केजरीवाल साहब दिल्ली के बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल पर मुद्दे लड़ाई लड़ रहे हैं तो दिल्ली की जनता ने आम जनता ने मन बना रखा है केजरीवाल 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 उसके अलावा कुछ नहीं और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकालने का काम कर लिया है सोच लिया है आप ये देख लीजिएगा जिन जगहों पर बीजेपी और आरएसएस के गढ़ हैं वो गढ़ तक आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आज सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें